नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे देश में मौसम लगातार बदल रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अचानक ठंड गायब होने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री पहुंच गया है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठंड कम होने से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन यह समय से पहले गर्मी के संकेत भी दे रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 3 डिग्री ज्यादा है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को भी अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। बारिश के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी कई स्टेशनों पर AQI माध्यम और खराब श्रेणी में देखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आनंद विहार इलाके में सुबह 9 बजे PM 2.5 का स्तर 212 यानी कि खराब श्रेणी में दर्ज किया गया और PM 10 का स्तर 131 पर पहुंच गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PM 2.5 का स्तर 162 और PM 10 का स्तर 140 दर्ज किया गया। 0 और 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा माना जाता है, वही 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच माध्यम और 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। बिहार में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में पछुआ हवा की वजह से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। सोमवार को राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।